नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं साक्षी गुप्ता। आइए आपको ले चलते हैं देश दुनिया की तमाम 25 खबरें। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम। कच्चा तेल $115 के पार। भारत में अगले हफ्ते 20-25 रुपए महंगा हो सकता है तेल। उत्तर प्रदेश में 57 सीटों पर वोटिंग जारी। अब तक 46.70% वोटिंग हुई। वहीं ज्यादा जगहों पर ईवीएम मशीन में हुई खराबी। गोरखपुर में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया। शिवपुर साहबगंज में वोट डालने पहुंची महिला को बताया गया उसका वोट पहले ही डाला गया। भाजपा के सहयोगी दल निषाद पार्टी के संजय निषाद ने भाजपा सरकार आने पर कैबिनेट मंत्री पद मिलने की संभावनाएं जताई और कहा कि चाय वाला पीएम बन सकता है तो निषाद के बेटे को भी पार्टी कुछ भी बना सकती है। उत्तर प्रदेश चुनाव के 5वें चरण के चुनाव में भाजपा सांसद रवि किशन ने गोरखपुर में कहा न साइकिल न हाथी न हाथ, यूपी में केवल बाबा आदित्यनाथ। उनका दावा भाजपा की होगी 300 सीटों से जीत। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद वोट डाला उनका 300 में से 300 सीटों से जीतने का दावा। जौनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपा पर निशाना साधा, कहा यूपी को लूटो, गरीबों के सपनों को कुचलो, ये कभी आपका दर्द नहीं समझेंगे। अखिलेश ने वाराणसी में रैली को संबोधित करते हुए कहा चुनाव के बाद बीजेपी नहीं दिखेगी, बीजेपी ने हार स्वीकार ली है, उनके प्रत्याशी मांग रहे हैं जनता से माफी। ऑपरेशन गंगा को लेकर सिंधिया बोले आज 19 फ्लाइट से 3,726 छात्र आएंगे, भारतीयों को निकालने के लिए वायुसेना 3 और विमान रवाना करेगी। ऑपरेशन गंगा से कर्नाटक मूल के 149 छात्र भारत लौटे। KSDMA के कमिश्नर डॉक्टर मनोज रजन ने कहा यूक्रेन से आज शाम को 34 छात्र बेंगलुरु पहुंचे। केरल सरकार ने यूक्रेन से गुरुवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचने वाले भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए 3 चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था की। शेयर बाजार में सेंसेक्स 336 पॉइंट्स गिरकर 55,102 पर बंद। अल्ट्राटेक का शेयर 6.6% और एशियन पेंट्स का 5.1% गिरा। मणिपुर में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, 13 वाहन क्षतिग्रस्त। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पूर्व सीएम अर्जुन सिंह सहित 2013 के बाद प्रदेश में चौराहे पर लगी मूर्तियां हटेंगी। लुधियाना में बलवीर राजे वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पंजाब में नहीं बनेगी किसी की भी सरकार, दोबारा होगी वोटिंग। भोपाल में ग्रीन नेट से घेरी वकील बेटे ने मां की कब्र, FIR दर्ज हुई, कब्रिस्तान कमेटी ने कब्जा हटाया, गुस्साए बेटे ने सोशल मीडिया पर डाला भड़काऊ वीडियो। 1987 बैच के IPS सुधीर सक्सेना होंगे पुलिस के नए मुखिया, राज्य सरकार नियुक्ति के करेगी आदेश जारी। ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री पर हमला, कहा पुतिन से पीएम मोदी के अच्छे संबंध है, युद्ध के पहले ही भारतीय छात्रों को क्यों नहीं लाए प्रधानमंत्री। रूसी रक्षा मंत्री का यूक्रेन पर आरोप, भारतीय छात्रों को यूक्रेन ने बनाया बंधक, टैंक रोकने में कर रहा छात्रों का इस्तेमाल। इंदौर की आदर्श गौशाला के पास जंगल में पड़े मिले 100 से ज्यादा गायों के शव और कंकाल, कुत्ते गिद्ध और चील नोच रहे गायों के लाशों। दमोह में करीब 2 महीने से विराजमान विद्यासागर महाराज का कुंडलपुर से पहली बार पालकी से बिहार। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने 100 पदों पर निकाली भर्ती, कैंडिडेट 24 मार्च तक कर सकते हैं अप्लाई। पटना हाई कोर्ट ने स्टेनोग्राफर सहित 159 पदों पर निकाली भर्ती, उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए कर सकते हैं आवेदन। यूपी चुनाव में मायावती का पहला इंटरव्यू, बोले ये सरकार सिर्फ मुसलमानों पर बुलडोजर चलाती है, किसी को समर्थन देने की बात नहीं, हम खुद सरकार बनाएंगे। कैबिनेट में CPA को समाप्त करने पर मोहर लगी, अब सड़कें बिल्डिंगें PWD संभालेगा, 7 बड़े पार्कों के लिए वन विभाग को जिम्मा।